हेलो डॉन ऑफ यू। तो आज हम मोटिवेशन चैप्टर की लास्ट थ्योरी कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अभी तक आपने थ्योरी में मोटिवेशन थ्योरी में सबसे पहले मैस्लो की पढ़ी थी, उसके बाद में टू फैक्टर थ्योरी कंप्लीट करी, उसके बाद में एक्स वाई थ्योरी पढ़ी। अब आखिरी थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, जेड थ्योरी। जेड थ्योरी जिस पर्सन ने प्रपोज करी थी उनका नाम है प्रोफेसर विलियम जी आउची। प्रोफेसर विलियम जी आउची, इन्होंने 1981 में एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन बीट द जापानीज चैलेंज। कैसे अमेरिकन बिजनेस जापानीज के चैलेंज से निपटते हैं, और इसी बुक के अंदर इन्होंने जेड थ्योरी दी थी। 1981 में एक बुक लिखी थी, उसी के अंदर जेड थ्योरी इन्होंने दी थी। बहुत सिंपल सा इन्होंने कहा ये सारी चीजें एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकती है। विलियम आउची ने अमेरिकन और जापानीज दोनों कंपनीज को ठीक है एनालिसिस करा, रिसर्च करा, उसके बाद ये फैक्टर्स डिटरमाइन करें। सबसे पहले लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, आप अपने एम्प्लॉइज को रिसेशन के टाइम ठीक है या मार्केट में इकोनॉमी हालत खराब है उसमें आप वर्कर्स को निकालोगे नहीं। एक वर्कर जब काम करता है तो सबसे पहली चीज चाहता है जॉब परमानेंट रहे, जॉब टेम्पररी ना। That means lifetime employment, retrenchment नहीं करना है। retrenchment होता है निकालना, ऐसा नहीं हुई recession period आ गया, depression period आ गया, ढंग से business नहीं चल पा रहा तो आप अपने employees को भेज दो। Okay, second career path, अब आप उनको कहीं ना कहीं career को बढ़ाने में मदद भी करो ठीक है। That means उनको आप कहीं ना कहीं training provide करो ठीक है, उनकी skills को develop करो। जब भी decision दिए जाए तो उन्हें भी involve करो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेम चीज, ट्रेनिंग वगैरह देना, एचआर मतलब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग वगैरह देना। स्लो इवोल्यूशन एंड प्रमोशन, स्लो मतलब होता है ऐसा नहीं है कि आप उनको एक दो दिन में इवेल्यूट करना शुरू कर दो कि काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इवोल्यूशन के लिए थोड़ा लंबा समय लो, उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी देखकर ठीक है उन्हें प्रमोट करो। द लास्ट वन एम्फेसिस ऑन यूनिटी, यूनिटी का मतलब है एम्प्लॉइज के साथ इंसानियत वाली चीज बिहेव करनी है, उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह जितने भी लोग हैं उन सब का भी हमें ध्यान रखना है। दैट इज एम्फेसिस ऑन यूनिटी। तो बहुत सिंपल सा था, जेड थ्योरी के अंदर किसने प्रपोज करी, एक बुक लिखी उसमें जेड थ्योरी दी गई, और ये फैक्टर्स वो हैं जो विलियम जी आउची के हिसाब से किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर को फिनिश करा, यहाँ हमारा मोटिवेशन चैप्टर फिनिश होता है। तो अब नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे लीडरशिप चैप्टर। ओके, थैंक यू।